सो खुदावंद का शुक्र कर रहे हैं जो परमेश्वर ने साडी जिंदगी विच समा लेके आंदा कि असीं परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनीए उहदे गल्लां नूं जाणीए। अज फिर तो एक बार फिर तो सानूं खुदावंद ने अपने लई चुनिया, अपने जिंदे कलाम नूं सुनण दे लई सानूं खुदावंद ने इकट्ठा कीता। सो जिदा कि असीं सब जाण रहे हां कि इस वेले जिहड़े हालातां दे विच जिस सिचुएशन दे विच असीं जी रहे हां किदा की हैगी है तो किदा के हालात के गुजर रहे हैं। असी अपना परिवार साड़िया जिंदगी साड़े रिश्तेदार किदा किदा के जेड़े आ हालात के गुजर रहे हैं और असं ये भी जानते हैं कि हर वेले साड़ी जिंदगी कई बार ये झात लगी रहती है। कई बार असं डरते भी हाँ, कई बार साड़ी जिंदगी में डर भी लगता है कि जो असं सवेरे सुते उठीए कोई इदा की न्यूज साड़ी रिश्तेदारी के कोई खबर ना आ जाए कि थोड़े लिए इदा हो गया, किसी परिवार के मैंबर के लिए इदा हो गया। खुशी मनाते हाँ तो खुशी मनाते भी डरते हैं। जो बंदा खुशी मनाता तो उदो की करता है एक दूजे के नाल इकट्ठा होता तो इकट्ठ करन दे विच भी की लगता है, बोल सकते हो की लगता? डर लगता है। कि तो डर लगता, पुलिस वाले तो भी डर लगता भी आके उन्होंने छापा मार देना, उन्होंने आके फड़ के लै जाना। पहला तो ना थोड़े थोड़े अपने चेहरे जेड़े ना खुशी वाले लैके आओ, मैनू ना इदा लगता सारे गुस्से ही नाराज ही हुए पे लग लड़के आए हुए तो नहीं तरीके से मेरे नाल कोई गुस्से नाज के चल रही होगी हम भी दस सकते हैं, मैं सॉरी मांग लेना जे नहीं हाँ तो खुशी के नाल आप वचन सुनना। बेशक असं जी मर्जी सिचुएशन के निकलीए परमेश्वर का वचन कहता तू प्रभु के जेकर तू है, जेकर तू प्रभु हैगा तो उन्हें की कर हमेशा आनंद कर। फिर कहना मैं फिर दोबारा कहना है कि कर एक बार नहीं दो बार कहना, डजन मैटर तू कि सिचुएशन के जा रहा है कि लड़ के आया कि नहीं, पर जे तू प्रभु के आ गया, जे तू प्रभु के नाल इकट्ठ जोड़ कर लिया, मेल कर लिया, वो हसूली के आ गया तो प्रभु के आनंदित हो। हालेलुया। तो आप गल कर रहे थे बेशक असं एक सही आप एक एरिए रह रहे हो जिथे कि वायरस का या कोई होर बीमारी का जिक्र तक ना हो, आले दुआले बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर असं नहीं जानते कि जिथे जिथे साडे रिश्तेदार वसदे आ उत्थे दा हाल उत्थे दा माहौल किदां दा है। सच है या झूठ है? तो किते ना किते कई बार साडियां जिंदगियां इस गल तो सोच दिया आ। कई बार बंदा जो इदा दे हालात या न्यूज चैनल भी देखता हो तो उत्थे मौतां लाशां ढेर लगे होंगे, बथेरा कुछ दिखाता है कोरोना वायरस इन्ने केसिस आ गए जिन्हें करके उन्हें मौत हो गई, मोर की सह ही लै पा रहे, ऑक्सीजन की कमी आ, ये वो बहुत कुछ सुनने को मिलता। पर न्यूज चलते चलते साडा पूरा ध्यान उधर लगा हो एकदम रिश्तेदारी चो सानू फोन आ जाए दिल जेड़ा कि सुख रखे खुदावन सब कुछ रब सारे का सुख रखे कि कोई इदा की न्यूज ना हो। पर आई तो आई किदा ये होया किदा हो गया एकदम एकदम नहीं होया, हजारा साल बीत गए थे। आए तो पहलू भी वायरस भी बहुत आए, बलावा बीमारियां परेशानियां बहुत आई, पर यह एडा वड्डा क्रोध जिहड़ा खुदावंद है किदा आ गया? कोई कहिंदा मैन मेड आ, लोग कहिंदे आ भी ये लोगों ने उत्पन्न किया आ, ते दा विशर ते मन सकदे आ कि मैन मेड हो सकता। बहुत कुछ कहा जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किया जाता है, हो सकता डजन मैटर मन सकते हैं, इंजैक्शन जेडे इस तरीके के लिए यूज किए जाते हैं, यस मन सकते हैं,
पर ये सारिया गल्लां परमेश्वर दे वचन तो बाहर नहीं आ, ये सब कुछ खुदा दे कलाम तो बाहर नहीं आ। मैं गल्लां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रब दे सेवक संत बड़ी देर तो इन्हां चीजां नूं इस बीमारियां भैड़ियां बीमारियां आने तो पहले ही दस दे पए सीगे कि बहुत वड्डी बीमारियां, बहुत वड्डे कलेश, बहुत ज्यादा ट्रबलेशन जिहड़ी आ वो इंसानां दे उत्ते आउण वाली आ। क्योंकि ये वो तो नहीं जानते सी, दसण वाले संत सेवक नहीं जानते सी, पर खुदा सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो जिहड़ा खुदा जानता है उन्हें अपनी बाणी दे विच वी पहले लिख दिता कि अपने लोगों के उत्ते, अपने दासां के उत्ते, अपने नबियां के उत्ते उन्हां गल्लां नूं प्रगट भी करता है। आओ असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों देखांगे रोमियां दे विचों, रोमियां उहदा दो अध्याय और उदी असी देखांगे 6 आयत तो, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 फ्रॉम द वर्स 6। रोमिया दी पुस्तक संत पौलुस द्वारा लिखा गया खत रोमिया नू 2 अध्याय और 6 आयत तो, सत्य परमेश्वर का वचन दसदा है वो हरेक नू ओदियां करनिया के अनुसार फल देवेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की कहता है कि तुसी सुन रहे हो कि तुसी ध्यान दिता। हाँ जी, तो मैं की क्या उस तो बाद में की क्या? हालेलुया का जवाब बाद कितना देना चाहिए? चुप करके, चुप करके बैठ के सिर्फ सुनना चाहिए कितना देना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर एक नूं उहदियां करनियां दे अनुसार फल भी देवेगा। जिन्हें चंगा कीता है तो उहदा फल भी की मिलेगा उहनूं? चंगा मिलेगा। जिन्हें बुरियाई कीती है तो उहनूं फल भी बुरियाई वाला मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जेकर यीशु मसीह ने भी कहा जिहड़ा तलवार दे नाल मारेगा वो भी की होवेगा? तलवार नाल मारिया जाएगा। जिहड़ा शूट करेगा जेड़ा किसी नाल हनेर करेगा, यीशु मसीह कहते एक बंदा सीगा वो राजा दे कोल गया ते राजे नूं कहिंदा कि हे राजन मैं तेरा कर जेड़ा आ या जेड़ा मेरे उत्ते बहुत वड्डा एक एक करजा जिहड़ा आ तेरे वल्लों हैगा आ कि बहुत आयत दे नाल मैं भर नहीं सकदा, मैं दे नहीं सकदा। कहिंदा मेरे छोटे छोटे बच्चे आ, मेरी बीवी आ, जेकर तू मैनू सजा दित्ती तां उहनां दा की होवेगा? कहिंदे राजे नूं उत्ते तरस आ गया ते राजा ने उहनूं कहा जा तेरा सब कुछ माफ होया, जा कहिंदा खुशी खुशी अपने घर चलिया जा। कहिंदा जदों उत्थों दी उस महल दे विच उस घर दे विच खुद राजा दे घर दे विच जिस वेले बाहर आया कहिंदा उहदे रस्ते दे विच जिहनूं उहनूं करजा जिहनूं दित्ता होया सीगा इक उहदा बंदा जिहनूं उहने आप करजा दित्ता होया सीगा उहनूं फड़ लिया ते उहनूं कहिंदा मेरा करजा भर, जो कुछ कहिंदा मैं तैनूं दित्ता आ तू भी की कर इहनूं पूरा कर। वो कहिंदा जी प्रभु जी या गुरु जी या मालक मैं भर नहीं सकदा पर मैं हौली हौली भर देवांगा, मेरे बीवी बच्चे छोटे आ मैं नहीं भर सकदा, मैं हजे बहुत मुसीबत दे विच आ। वो कहिंदा मैं ये गल नहीं जानदा तू हैगा चाहे नहीं हैगा, तेरी मुसीबत दे नाल मैनू कोई भी मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है मैनू, तू मुश्किल च हो सकदा। पर जदों मेरे को लिया सीगा कि उदों तैनूं ये चेता नहीं सी आया कि मैं भर नहीं सकदा। कहिंदा अपने दासां नूं कहिंदा इहनूं फड़ो ते जेलखाने दे विच सुट दिओ, हनेर कोठरी विच सुट दिओ, जद तक इह भर ना देवे तद तक कहिंदा इहनूं छड्डिओ ना। ते
ਜਿਹਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਖੁਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਵਚਨ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਛਤਰੇ ਪਛੜੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜੋਤਾਂ ਜਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਂ ਜਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਛਤਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੇਵੇਗਾ ਨੀ ਹਜੇ, ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਾਈ ਪਾਈ ਭਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਨ ਸਨ ਮਾਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਰਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋੜ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਜੋੜ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਵਕਤ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ, 50 ਸਾਲ, 40 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ,
और इतनी वचन ओदी गवाही करदा आ कितने जिहड़े उहनू लभदे आ ईमान विश्वास विच दृढ़ होके महिमा आदर ते अविनाश नूं जिहड़ा खत्म होण वाला नहीं आ उहदा नाम सर्व शक्तिमान यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया जिहड़ा उहनू पा लैंदे आ कितने जिहड़ा उहनू लभणगे उहनू पा लैणगे हालेलुया जिहड़े उहनू लभदे नहीं उह कदे पा नहीं सकदे जिहड़े उहदे वल जांदे नहीं उत्थे तक पहुंच नहीं सकदे पालेगा वो हमेशा का जीवन उन्होंने देगा क्योंकि उन्हें हाथ के विच है वो दे सकता है वो फल भी देना चाहता हमेशा की जिंदगी देना भी चाहता। हालेलुया साढ़े को जो है मेरे को परमेश्वर का जीवदा कलाम है मैं तुम्हें दे रहा तो डिलीवर कर रहे हो ग्रहण कर रहे हो जो कुछ है तुम दे सकते उदे को हमेशा का जीवन है। हालेलुया हालेलुया तो देना जानता है कहता तू भाल तो सही पहले कहना नीचा ईमान विश्वास के नाल दृढ़ होके मेरे पिछे लग तुर ते देख मैं तेरे लिए कुछ करदा या नहीं करदा मैं तेनू दिंदा या नहीं दिंदा अगे की लिखा है पर जेड़े आकी हन और सब नू नहीं मानते सत नू नहीं मानते सगो कुधर्म नू मानते हैं उन्हां उत्ते गुस्सा अते क्रोध होवेगा तो यह खुदावंद दा क्रोध ते गुस्सा ही है जिहड़े सच्चाई नू मानते नहीं आ सच्चाई की आ प्रभु यीशु मसीह कहिंदा मैं कौन आ यीशु मसीह ने की कहा कि मैं कौन आ सच्चाई जीवन अते सब तो पहली गल कही कि मैं की हाँ सत मैं हाँ सच्चाई मैं हाँ मेरे तो इलावा सच्चाई कोई नहीं है जिहड़े सत नूं नहीं मानते जिहड़े सच्चाई नूं नहीं जानते जिहड़े आकी हो चुके आ सुन सुन के जिहड़े सुन सुन के आकी हो चुके आ जिहड़े रब दे कलाम नूं अपने कन्नां तों सुणदे आ पर अक चुके आ सुन सुन के मनदे सच्चाई नूं मनदे नहीं आ सच्चाई नूं जानदे नहीं आ कहिंदा आकी हो चुके आ कहिंदा उहनां उत्ते गुस्सा अते क्रोध परमेश्वर दा जरूर आवेगा सत नूं नहीं मनदे सगों कुधर्म नूं मनदे आ धर्म नूं नहीं मनदे कुधर्म नूं मनदे आ कहिंदा उहनां उत्ते परमेश्वर दा क्रोध ते उहदा प्रकोप आवेगा तां इह 2000 साल पहलां बाणी लिखी हुई गल्लां जिहड़ियां लिखियां होईयां अज पूरियां हो रहियां अज खुदा दा क्रोध उहनां उत्ते पहुंचिया आ जिहड़े सत नूं जाण के भी कबूल नहीं करदे और उहनां उत्ते भी आया जिहड़ां ने सत नूं जाण के भी सत दे अनुसार सच्चाई दे अनुसार अपने काम भलियाई दे नाल नहीं कीते उहदे अनुसार चले नहीं उहनां उत्ते एक क्रोध परमेश्वर दा भड़किया आ की लिखिया आ विपता अते कष्ट हरेक मनुख की जान ते होवेगा जिहड़ा बुरियाई करदे आ करदा है पहला यहूदी फिर यूनानी उत्ते हालेलुया हालेलुया एक बंदे दे लई एक कम्युनिटी दे लई एक मोहल्ले दे लई एक शहर स्टेट देश दे लई नहीं हर एक जान दे उत्ते इस धरती दे उत्ते रहण वाली हर एक जिंदगी दे उत्ते हर एक जान दे उत्ते एक कष्ट एक कलेश कहिंदा एक गुस्सा खुदा दा आवेगा ते असी इस गल तो अनजान नहीं हाँ कि जिहड़ी सिचुएशन दे विच असी जी रहे हाँ जिस हालात दे विच असी जी रहे हाँ जिस वायरस दे नाल असी अज जी रहे हाँ जिहड़ा हर वेले साडे आले दुआले रहिंदा आ इह सिर्फ साडे तक सीमित नहीं है कित्थे तक पहुंचा पूरी दुनिया दी दुनिया तक पहुंच गया दुनिया के हर एक इंसान तक पहुंच गया उहदा क्रोध इह रब दा क्रोध है इह रब दा वचन जिहड़ा कबूल किया गया नहीं आ तो उन्हां दी जिंदगियां नूं खा गया इह भैड़ खा गई बहुत सारे रब दे लोक इदां दे वी सीगे जिन्हां नूं रब ने इस वायरस नूं होण दे बावजूद भी बचा लिया हालेलुया रब ने उन्हां नूं बचा लिया जिंदगी दे दित्ती कईयां नूं खुदावंद दे अगे कीतियां दुआवां दे नाल ते कईयां ने कईयां दा विश्वास ते ईमान दे नाल
एक न्यूज पिछले साल दे विच बड़ी वायरल हो रही सी कि न्यूज चैनल वाले ने उन्हें पूछा कि तू ठीक हो के अपने घर दे विच वापस आई हाँ, दसो कि डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स दी टीम ने तुहाडे लई किन्ना वधिया कीता, उन्होंने मेडिसिन दित्ती, तुहाडी केयर कीती, सब कुछ कीता, दस किदा कीता। उन्हें पूछन लगी अपने इंटरव्यू दे विच, ऑनलाइन इंटरव्यू दे विच, उन्हें ऑनलाइन लाइव सारे सामने क्या कहिंदी, ना कोई डॉक्टर मेरे लागे लगता सी, ना कहिंदी मैनूं कोई दवाई देण लई अगे जांदा सीगा, कहिंदी पर मेरे कोल परमेश्वर दा जिंदा कलाम है, जिंदी बाइबल सी जिहड़ी मैं पढ़दे सी, यीशु मसीह ने कहिंदी मैनूं ठीक कीता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इह साडे जिंदे परमेश्वर दी गवाही, यीशु दी गवाही। मौत विचों कढ के जिहड़ा जीवन दे विच लै आवे उहदा नाम यीशु है। लाजर दा चार दिन दा मुर्दा, उहदीआं भैणां कहिंदीआं कोई बू आण लग गई, कहते उ ना जा, हम कोई फायदा नहीं आ, प्रभु जी सब कुछ फेल हो गया। पर कहते असि जानते हाँ कि जे तू इत आ तो साडा भरा मरदा ना, मरदा ना, उन्हें मरना नहीं सी, पर हम की हो सकता, हूं तो वो मर गया, हम हो नहीं सकता। मरिया तो मरिया, अज चौथा दिन हो गया, हुण तक उहदे कोल बू भी। तो यीशु मसीह ने कहा, मार्था की मैं तैनू नहीं दस्या सी कि तू जे तू नीचा करे ता तू परमेश्वर दी महिमा नू अपनिया अखां दे नाल देखेगी, अपनी जिंदगी दे विच जिंदा वचन देखेगी। की तू नहीं जानती कि जेड़ा तेरे कोल आ गया या यही अल्फा ते यही ओमेगा है, यही पैदा करन वाला ते जिंदे रखन वाला भी, मौत दे विचो कट के पुनरुत्थान दे विच जिंदा करन वाला भी यही। हालेलुया कहती प्रभु जी मैं जानती हाँ, पर पुनरुत्थान का दिन हजे आया नहीं आ, हजे आवेगा, हजे आना है, हजे दूर आ। यीशु मसीह कहते मैं तेरे को पहुंच गया, तो दिन भी तेरे में अज ही मुबारक। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने जाके कबर के उत्ते जाके जो पत्थर नु पिछे किया तो आवाज दी कि लाजर अज इना सारे लोगों के सामने खुदावन की महिमा के लिए परमेश्वर के नाम के विच उदे जू के नाम के विच ये लोग जिहड़े मानते नहीं है कि जिंदगी किदां मिलदी है, जिहड़े लोग जानते नहीं है कि जिंदा होना की हुंदा आ। यीशु मसीह ने जिहड़े पहले मौजे किए वो कमरे के विच गए, अपने चेलियां नू नाल लिया, मां बाप नू नाल लिया, ते जिंदा कर दिता। एक रस्ते दे विचों लेडी जा रही है, कुछ लोग कुछ कम्यूनिटी उत्थे खड़ी आ, जिहड़े रिश्तेदार उहदे नाल आया ते उस विधवा दे पुत्तर नू जिंदा कर दिता। तां इत्थे चार दिन दे बाद जदों पहुंचे ते सारा पिंड की लागे शागे दे पिंड वाले भी सारे इकट्ठे होण लगे होणे आ, भैया होया की आ, क्योंकि उत्थे खीर नहीं पाउण आए सी उहनां दे घर दे विच, हो उहनां दे घर दे विच वड्डा मेला लगा होया सी, उह सारे उत्थे पहुंचे हुए सी। ते यीशु ने उहनां सारिआं दे सामणे अपने आप नूं पुनरुत्थान दा मालक दस्सिआ। हालेलुया हालेलुया। यीशु जी ने कहा कि तुसीं नहीं जाणदे कि जो तुहाडे विच आ उह सब का मालक है। शास्त्री फरीसी कहते, फकीर फरीसी कहते कि ये काम शरा दे दिन दे विच, शरा दा दिन जिस दिन होवे उस दिन करना ये योग नहीं है, ये योग नहीं है कि जिस दिन
खुदावन ने वो दिन ठहराया, वो पवित्र दिन ठहराया, सतवां दिन ठहराया, जिन्हों आशीष बरकत दी, जिन्हों सब्बत का दिन कहा जाता है। इस सब्बत वाले दिन एक काम करना योग नहीं आ। यीशु मसीह ने क्या कि तुसी नहीं जानते कि जिहड़ा तुहाडे विच इस वेले खड़ा आ, जिहड़ा तुहानू प्रचार कर रहा है, जिहदे द्वारा यह हुक्म दिता गया कि एक काम कर, जिहदे द्वारा यह हुक्म दिता गया, इस पेड़ नू हुक्म दिता गया, एक कहता सब्बत दा वी मालक है। हालेलुया। इत्थे यीशु मसीह ने अपने सारे लोकां दे सामने दस दिता कि पुनरुत्थान दा मालक जिंदे करन वाला यीशु है। और यीशु ने आवाज दी कि लाजर इस कब्र दे विचों, अपनी मौत दे विचों उठ के ते बाहर आ जा। हालेलुया। उसे कपड़िया समेत जिस हालात दे विच लाजर सी, उठ के बाहर आ गया। यीशु है वो, उसका नाम यीशु है। जिहड़ा फल देना जानता है, जिहड़ा ईमान दे नाल काम करना भी जानता। हालेलुया। जिहड़ा कहिंदा हर एक दे काम दा बदला मेरे कोल आ, मैं देवांगा, मैं देवांगा, मैं जानता हां देना आ, मैनूं पता है कि किन्नू की फल देना। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਠਹਿਰਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਫਰਕ ਕਰਦਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਆਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਲੈਣੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੁਰੰਥੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰੰਥੀਸ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 58 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਧਰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯੂਨਾਨੀ ਬਾਰੇ। ਯਹੂਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਪਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ।
उन्होंने काम खुदा नू मानते नहीं है पर उन्होंने काम खुदा तक पहुंचते क्योंकि भलाई करते हो किसी के नाल बुराई नहीं करते ते ना ही उन्होंने मंडलियां दे विच सांझे होंगे ना शैतान दी ते परमेश्वर की मंडली दे सांझे होंगे मैं सोच समझ रहे होने मैं की कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना सिर वो झुकाते नहीं हाँ उन्होंने परवाह दे विच नहीं जाते पर उन्होंने भलाई के काम खुदा तक पहुंचते हैं ये दो कैटागरियां दोनों कैटागरी के दो दो तरह के लोग पाए जाते हैं सो अगे लिखा है पर हरेक नूं जेड़ा भलाई करता है महिमा आदर अते शांति प्राप्त होगी पहला यहूदी नूं फिर यूनानी नूं हालेलुया हालेलुया आ गया दोनों कैटागरी पहली कैटागरी जिसकी लिखी है हर एक दे उते नाश मौत बीमारी दुख वायरस मुसीबत आनगियां पहला यहूदियां दे उते ते फिर कैटागरी दोनों ने दित्तियां खुदा दे लोकां दे उते भी ते गैर खुदा दे लोकां दे उते भी पर इत्थे उन्हां दे बारे नहीं लिखिया ते लिखिया हर एक दे उते पर दूजिया दे बारे खास करके लिखिया होया कहिंदा जिहड़ा भलाई करदा आ समझ रहे हो भलाई जिहड़ा करदा जिहड़ा चंगे काम करदा जिहड़ा खुदा दे मन भाणे काम करदा आ कहिंदा उन्हां नूं शांति प्राप्त होगी इहदे विच वी दोनों कैटेगरीज आ गईआं यहूदियां दे उत्ते भी ते गैर यहूदियां दे उत्ते भी परमेश्वर दे ना मनण वालिआं ते भी पर परमेश्वर दे नाल उन्हां दा जिहड़ा नाता आ किते ना किते जुड़िआ होइआ बणिआ होइआ रब दे नाल अज जिहड़े यीशु नूं जाण के भी यीशु दे कलाम नूं सुण के भी यीशु मसीह दी वचन नूं जाण के भी अज इस वड्डे प्रकोप नूं देख के भी एक्सक्यूज मी ध्यान दे नाल सुणिए जिहड़े अज रब नूं उहदे जलाल नूं जाण के भी अज दे आसमान दी उस भयानक अग नूं देख के भी उहदे क्रोध नूं देख के भी मसीह नूं जाण के भी उहदे अगे झुकदे नहीं आ अपने मन नूं कठोर करके रखते हैं उन्होंने अपना मुक्तिदाता कबूल नहीं करते अजे भी अपने माड़े कम्मा तो बाज नहीं आते हटते नहीं हाँ हजे भी जेडे है तो परमेश्वर के लोग पर उन्होंने अखां साफ नहीं है उन्होंने दिमाग साफ नहीं है उन्होंने रस्ते साफ नहीं उन्होंने जिंदगियां पवित्र नहीं है उन्होंने काम पवित्र नहीं है परमेश्वर के ग्रहण योग नहीं है जिन्होंने देखना सुनना बोलना सब अपवित्र जिहड़े ढेर करते हैं जिहड़े दूजिआं दे नाल वैर विरोध करते हैं जिहड़े कर्जा लेंदे हैं और हर एक जेड़ा नेर करता है फिर वो चाहे खुदा दा जन हो गए ते चाहे खुदा दा जन ना हो गए उन्हें सब दे उत्ते परमेश्वर का प्रकोप आवेगा पर कहिंदा जेड़ा भलाई करता है भलाई काम करता है उन्हें उत्ते परमेश्वर का आदर उहदी शांति उहदी महिमा आके ठहरेगी पहला यहूदियां दे उत्ते ते फिर जेड़े बच जाणगे जेड़े परमेश्वर दे इस क्रोध तो मैं तुम एक आखिरी गल कह के बंद करांगा जेड़े इस क्रोध तो बच जाएंगे इस कोरोना वायरस तो बच जाएंगे उन्होंने लिए एक होर वड्डी बीमारी तैयार पई है उन्होंने जिंदगियों के लिए तैयार पई है जो अज भी यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता कबूल नहीं करते जो अज भी परमेश्वर नूं अपना खुदा कबूल नहीं करते तो उन्होंने दूजी बीमारी दूजिया भैड़िया बीमारियां डजंट मैटर वह कौन आ अमीर आ गरीब आ मिनिस्टर आ भिखारी आ पढ़िया लिखिया आ वह अनपढ़ आ वह कोई बिजनेसमैन आ कोई जॉब करन वाला आ वह कोई बहुत वधिया आ या कोई कोई भी क्यों ना हो सारे उस दे शिकंजे दे विच अगे तो अगे आई जाणगे ये खत्म नहीं होगा पर उन्होंने लिए जेड़े भलाई करते हैं जेड़े रब न जानते जेड़े यीशु मसीह जानते जिन्होंने यीशु मसीह अपना नजा बहन का कबूल किया ज
जिहड़े खुदावंद दे नाल सच्चाई दे नाल चलदे आ, पहला यहूदी फिर यूनानी, वो इस तो भी बचे रहेंगे और आने वाली मावां तो भी वो बचे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद उन्हें अपने हत्थां दे विच संभालेगा, जिदा कि खुदावंद दा वचन कहिंदा। आओ सिखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे और प्रार्थना विच जावांगे।